क्या आप कभी आगे का बॉल पीछे खेलते हो और पीछे का बॉल आगे खेलते हो? इसका मतलब है आपको लेंथ जज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसके लिए मैं आपको दूंगी आज 3 सिंपल टिप्स। मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल, और इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेट टिप्स के लिए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाना ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। सो 3 टिप्स आपके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से है। फर्स्ट टिप बिगिनर्स के लिए है, जो बिल्कुल क्रिकेट में नए हैं और आपको आगे और पीछे वाला बॉल जज करना है। सिंपल सी चीज़ है जो मैंने अप्लाई की थी जब मैंने क्रिकेट शुरू किया था, कि आप पिच पे एक लाइन बनाओ। यहाँ पे मैं टेप के साथ एक लाइन बना रही हूँ पिच पे, और सिंपल सी बात है, अगर लाइन के उस पार गेंद गिरती है तो वो एक शॉर्ट गेंद होती है जो आप बैक फुट पे जाके खेल सकते हो। अगर लाइन के इस पार आपके पास गेंद गिरती है तो एक आगे वाली गेंद है जो आप फ्रंट फुट पे जाके खेल सकते हो। और अगर लाइन के आसपास गिरती है गेंद तो वो एक गुड लेंथ गेंद है, आगे या पीछे उस हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आप उसे खेल सकते हो। ये एक बिगिनर वाली टिप है। जैसे ही आपको थोड़ी बहुत जजमेंट आ जाता है ना, तो आप वो टेप निकाल के बैटिंग कर सकते हो, पर बिल्कुल शर्माना मत, बिंदास होके नेट्स में टेप लगा के आप बैटिंग कर सकते हो। याद रखना कि वो जो लाइन है तेज़ गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी लाइन पीछे जाती है, और स्पिन गेंदबाजों के लिए या स्लो गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी लाइन आगे आ जाएगी। तो बॉल के स्पीड के हिसाब से लाइन को एडजस्ट करना। टिप नंबर 2, और ये बहुत ज़रूरी है आगे के स्किल्स के लिए, कि बॉल को वॉच करो हाथ से, मतलब बॉल के रिलीज पॉइंट को वॉच करो। रिलीज पॉइंट से ही लेंथ डिसाइड होता है। तो आप चेक करो कि अगर बॉल बिल्कुल बॉलर ऊपर रिलीज कर रहा है, इसका मतलब है कि बॉल आगे आने वाला है, आप फ्रंट फुट पे जाके उसे खेल सकते हो। और अगर स्प्लिट सेकंड लेट रिलीज हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आके रिलीज हो रहा है बॉल, तो वो बॉल हल्का सा शॉर्ट रहेगा, तो उसे आप बैक फुट पे जाके खेल सकते हो। तो जब आप बिल्कुल हाथ से गेंद को वॉच करते हो, तब आप लेंथ जल्दी पिक कर पाओगे। और बॉल को हाथ से वॉच करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है बैटिंग के लिए। क्या आपको हाथ से बॉल वॉच करना मुश्किल लगता है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, और अगर काफ़ी सारे कमेंट्स आए तो शायद उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। अब चलते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 एक एडवांस टिप है, ये खास करके जब आप डेथ ओवर्स में जब बैटिंग करते हो तब आपको आप इस्तेमाल कर सकते हो, और वो है कि आप फील्ड को रीड करो। अगर आपका फील्ड सामने लगा है, आपका लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ लगा है, डीप मिड विकेट डीप कवर लगे हैं, तो आपको पता है कि आगे आने वाला है बॉल, क्योंकि उस हिसाब से बॉलर ने फील्ड प्लान किया है। और अगर फील्ड पीछे लगा है, आपका थर्ड मैन और फाइन लेग बाउंड्री पे है, डीप स्क्वायर लेग है, डीप पॉइंट है, तब आपको पता है कि शॉर्ट बॉलिंग होने वाली है, आपको आपके हाफ में कुछ नहीं मिलने वाला है। उस हिसाब से आप लेंथ को एंटिसिपेट कर सकते हो, और जैसे ही बॉल रिलीज होगा जल्दी रीड कर सकते हो। ये एक एडवांस टिप है, मगर हर प्लेयर ने फील्ड रीड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप बाहर बैटिंग के लिए जाते हो, फील्ड पे नज़र लगाओ, चेक करो, और उस हिसाब से आप बॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अगर ये टिप्स पसंद आए तो लाइक बटन दबा के मुझे बताओ, और आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, तो नीचे आपको सारे लिंक्स मिलेंगे। और हर वीकेंड वीडियो आता है, तो अगले वीकेंड पे मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय योर क्रिकेट।